हेलो दोस्तों, वर्टिस क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा था, एक्सरसाइज 5.4 का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, तो फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो दिए हुए फंक्शन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाई के बराबर मान लेते हैं। तो बाई बराबर साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। इसका क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे। तो बाई बाई का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाई का डिफ्रेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। साइन साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है, अगर हमारे पास साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोई पूछता है तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉज एक्स, कॉज एक्स। तो एक्स की जगह पर क्या लिखा हुआ है, एक्स की जगह पर फंक्शन दिया है टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ये दिया है टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। तो हमारा हो जाएगा साइन का अवकलन क्या होता है, कॉज एक्स। तो कॉज एक्स की जगह पर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ एज इट इज लिख देते हैं, टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ये हो गया। और चैन रूल से ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका हम दोबारा से करेंगे, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, इसका हम चैन रूल से दोबारा से करेंगे। तो हमारा हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब टेन इनवर्स ई की पावर एक्स मतलब टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन इन्होंने क्या करा है, एक्स की जगह पर ई की पावर माइनस एक्स है तो एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, ई की पावर माइनस एक्स रख देंगे इंटू टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पर क्या दिया, ई की पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये तो हमारा टेन का अवकलन हुआ है, किसका हुआ, डिफरेंशिएशन जो हुआ है टेन इनवर्स का हुआ है। टेन इनवर्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और चेन रूल से टेन के इनवर्स के अंदर जो ये फंक्शन दिया है उसका चेन रूल से दोबारा से कर लेंगे, ई की पावर माइनस एक्स का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी वाई डी एक्स मेरा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू वन अपॉन, इसका स्क्वायर कर देंगे तो वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर है, मतलब माइनस एक्स और टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वन प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज इंटू ई की पावर एक्स का हमने अवकलन बताया था, डिफरेंशिएशन बोला था क्या होता है, फॉर्मूला भी लिखाया हुआ है ई की पावर एक्स ही होता है। इसी तरीके से अगर हम ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, और इस माइनस एक्स का क्या होगा, एक्स का वन होता है, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा इंटू माइनस वन हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा। तो ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स रहेगा, जब माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस वन और आ जाएगा। तो डी वाई डी एक्स मेरा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस वन का ई की पावर एक्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, फिर ये कॉज लिखा है इंटू कॉज टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स ये ले अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा।